जय श्री राम। राम। प्रिय भक्तों, सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप अपनी माँ को दुनिया का सबसे महंगा और बेहतरीन तोहफा देकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और साथ में अपनी माँ की जिंदगी को भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो माताएं होती हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, जिस तरह भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही माँ भी भाव की भूखी होती हैं। उन्हें भाव चाहिए आपका। अगर आप भाव से माँ को एक प्यार से रूखा सूखा कुछ भी दे देते हो तो भी वो खुश हो जाती है, लेकिन बिना भाव के उन्हें आप सारी दुनिया की जन्नत भी दे देंगे तो भी वो खुश नहीं होती। तो आज के दिन अगर अपनी माँ को आप बेहतरीन तोहफा देना चाहते हो तो आज से आप ये प्रण लें कि प्रतिदिन उठ करके माँ को प्रणाम करें, उनके चरणों में शीश झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें। माँ के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है, आप जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रतिदिन अपनी माँ का आशीर्वाद लें। ऐसे व्यक्तियों के भगवान भी भक्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का भगवान इंतजार करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। आपकी माँ आपको खुश होकर इतनी दुआएं, इतने आशीर्वाद देगी कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल गई। क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी है, आपके पिता नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण आपके घर में ही हैं। उन्हें बाहर कहीं मत ढूंढो, अपने माँ बाप का सम्मान करो, उन्हें इज्जत दो, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लो। और एक और बात, ये तो काम आपको प्रातःकाल करना है, दिन में जब भी आप घर से बाहर जाएं, अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर जाएं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उनसे आशीर्वाद लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो 110% आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी माँ ने आशीर्वाद दे दिया है। तो माँ आपसे बहुत 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 अधिक खुश होगी और इतनी दुआएं देंगी कि संसार में आपको और कोई इतनी दुआ दे नहीं सकता। तो माँ भोली भाली है, माँ ममता की मूर्त है, वो इतना करने मात्र से ही इतनी खुश हो जाएंगी कि चाहे आप उन्हें कोई भी गिफ्ट दे देना, लेकिन वो खुश नहीं ही इतना होंगी जितना आपके चरण स्पर्श करने से होंगी, आपको आशीर्वाद देने से होंगी। तो ये छोटा सा काम आज आप करें और आज से आप प्रण लें कि नित्य प्रति आप ऐसा करेंगे और अपने घर में लक्ष्मी जो है माँ के रूप में, उन्हें हमेशा खुश रखेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।